दोस्तों, मेरा नाम हर्षा त्रिवेदी है और हर्षाज किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्राउनी। ये ब्राउनी बनाने के लिए हमने नहीं बटर का यूज किया है, नहीं कोको पाउडर का यूज किया है। उसके यूज किए बिना भी आप देख सकते हो कि ब्राउनी कितनी सॉफ्ट और यमी बनी है। तो आप भी इसको एक बार जरूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। आज ये ब्राउनी हम कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई में बनाने के लिए गैस को मैंने ऑन कर दिया है। उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे और अभी इस कढ़ाई को ढक के हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। ब्राउनी का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में जो ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट आती है वो उसको ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, उसको कट करके 1/4 कप लिया है मैंने। उसके अंदर एक कप हॉट मिल्क, मिल्क गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका मिल्क ठंडा होगा तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं होगी और हम इसको मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब ये दूध को हम रूम टेम्परेचर पर आए इतना ठंडा कर लेते हैं। ब्राउनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 25 नंग ओरियो बिस्किट लिया है। सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम सारे बिस्किट को ऐसे डाल के उसका चूरा बना लेंगे। दोस्तों, मैंने ये सारे बिस्किट का अच्छे से चूरा बना लिया है। अब हमने जो मिल्क और चॉकलेट का मिश्रण रेडी किया था वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गया है। उसके अंदर ये चूरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। सबसे पहले हम ब्राउनी के लिए टिन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर एल्यूमिनियम का टिन लिया है, उसके अंदर हम एक बटर पेपर लगा देंगे। दोस्तों, ब्राउनी बनाने के लिए टिन में बटर पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस ब्राउनी में हमने चॉकलेट ऐड की है, तो जैसे ही ब्राउनी बेक होगी तो वो चॉकलेट तले में चिपक जाएगी। तो अब ये टिन रेडी है। अब ये ब्राउनी का मिश्रण रेडी है, उसके अंदर हम एक इनो का सेसे आता है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो उसकी जगह पे आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि जो खाने का सोडा आता है, वो भी ऐड कर सकते हो। अब ये मिश्रण को मैं टिन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसको अच्छे से टैप कर लेंगे। दोस्तों, वॉलनट के बिना हमारी ब्राउनी अधूरी है, तो उसके ऊपर हम थोड़े से वॉलनट स्प्रिंकल कर लेंगे। अब कढ़ाई प्रीहीट हो गई है, उसके अंदर हम ये टिन रख देंगे और इसको हमें 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना है। दोस्तों, अभी 30 मिनट जितना टाइम हो गया है और मेरा पूरा किचन ब्राउनी की सुगंध से महक रहा है। अब हम ब्राउनी चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक लेंगे और इसको ऐसे अंदर डाल के देखेंगे। टूथपिक क्लीन आई है, उसका मतलब है ब्राउनी बन के रेडी है। गैस बंद कर देंगे और अभी इस टिन को हम 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम ब्राउनी सर्व करते हैं। दोस्तों, अब ये हमारी ब्राउनी ठंडी हो गई है। देख के ही लग रहा है ना कि कितनी यम्मी बनी है। अब हम उसको कट कर लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। दोस्तों, अब ये हमारी चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनके रेडी है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो। मैं मेरे घर में चॉकलेट ब्राउनी कैसे सर्व करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे, उसके अंदर ब्राउनी का एक पीस रख देंगे, उसके ऊपर आइसक्रीम रख देंगे और अब उसके ऊपर चॉकलेट डाल के इसको हम सर्व करेंगे। तो अब ये हमारी चॉकलेट आइसक्रीम ब्राउनी बनके रेडी है। आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।